नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक के शो डेली राउंडअप में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। पेगासस मामला, पत्रकार एनराम शशि कुमार ने मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। भीमा कोरेगांव मामला, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबड़े व नन गोंसाल्विस ने अंतरिम जमानत के लिए विशेष कोर्ट का रुख किया। मिशन यूपी, आगामी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे किसान। संसद मानसून सत्र, फिर से विपक्ष रहा पेगासस मामले में हमलावर। और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की। देश में 24 घंटों में 29,689 नए मामले, 415 मरीजों की मौत। पेगासस स्पाईवेयर जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका दायर की गई है। यह याचिका एशियानेट टीवी चैनल के संस्थापक शशि कुमार एवं द हिंदू समूह के एन नाम द्वारा दायर की गई है। कुछ समय पूर्व हुए इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ समूह द्वारा बनाए गए स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के खुलासे को लेकर दुनिया भर में काफी हलचल है। भारत में भी इसे लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हैक करके और उनकी जानकारी ट्रैक की जा रही है। इस मामले को लेकर संसद में भी विपक्ष लगातार सरकार का विरोध कर रहा है। द हिंदू समूह के एनराम तथा एशियानेट चैनल प्रमुख शशि कुमार द्वारा याचिका में केंद्र सरकार से यह प्रश्न किया गया है कि सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए पेगासस स्पाईवेयर का किसी तरह उपयोग किया है या नहीं। याचिका में आगे कहा गया है कि रेड स्पाईवेयर का उपयोग करना इस तरह की सामूहिक निगरानी मौलिक अधिकारों को कम करती है और स्वतंत्र संस्थानों में घुसपैठ, हमला और अस्थिर करती है। यह संस्थान हमारे लोकतांत्रिक सेटअप के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में कार्य करते हैं। एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव मामले में आरोपित प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, एक्टिविस्ट गौतम नवलखा और वर्नन गोंसाल्विस ने एक बार फिर अंतरिम बेल के लिए एनआईए कोर्ट में याचिका दायर की है। तलोजा जेल में बंद तीनों आरोपितों ने मांग की है कि वे तीनों ही सीनियर सिटीजन हैं, ऐसे में मौजूदा हालात को देखते हुए उन्हें बेल दी जाए। तीनों के द्वारा दाखिल अपील के मुताबिक जेल प्रशासन ने 60 साल से अधिक उम्र वाले कैदियों से कहा है कि वह कोरोना संकट के दौरान अंतरिम बेल के लिए अपील कर सकते हैं। अब इस अपील के बाद कोर्ट की ओर से एनआईए को नोटिस दिया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब तीनों ने कोरोना संकट के बीच बेल के लिए अप्लाई किया। पहले भी तीनों कार्यकर्ताओं ने मेडिकल ग्राउंड पर बेल की मांग कर चुके हैं, लेकिन एनआईए के विरोध के कारण इसे रद्द किया जाता रहा है। बता दें कि वर्नन गोंसाल्विस साल 2018 से, जबकि गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबड़े साल 2020 से ही जेल में हैं। 40 से ज्यादा किसान यूनियनों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार 26 जुलाई को लखनऊ प्रेस क्लब से किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव के लिए मिशन यूपी का ऐलान किया है। एसकेएम के वरिष्ठ नेताओं, जिसमें योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, मुकुट सिंह और दर्शन पाल शामिल थे, उन सभी ने किसानों से एक खुला खत पेश कर भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने का अनुरोध किया है। वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह ने न्यूज क्लिक की तरफ से किसान नेताओं से बात की, आइए सुनते हैं उन्हें। उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन की संभावनाएं हैं, 2022 की तैयारी चल रही है वहां पर चुनाव की, उसमें किसान आंदोलन कहाँ खड़ा है? देखिए, अभी मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। पंचायत के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, 75% कैंडिडेट बीजेपी के हारे थे पंचायत के चुनाव में। ये ठीक है कि बीजेपी के अधिकांश जो हैं वो जिला परिषद के चेयरमैन बीजेपी के बने, लेकिन दुनिया जानती है, बीजेपी के लोग भी जानते हैं और तमाम लोगों को पता है कि मेंबर चुने गए, मेंबर 25% जीत के आए और 80% चेयरमैन बन जाए, तो वो उन मेंबरों की जो खरीद फरोख्त हुई 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में, उसके माध्यम से ये जिला परिषद के चेयरमैन जरूर बना गए, लेकिन मैंडेट आ गया, 75% लोग इनके हारे वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से 2022 के इंडिकेशन तो पंचायत चुनाव में आ चुके हैं। राज्यपाल जी, ये बताइए कि ये जो किसान महिला संसद है, इसकी क्या आपको इम्पोर्टेंस लगती है? अभी तक तो किसान महिलाओं को किसान मानते नहीं थे, इस आंदोलन में इतने बड़े पैमाने पे महिलाएं आई, तो महिला किसान संसद से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, ये बात नहीं कि महिलाओं को किसान मानते नहीं थे। महिलाओं का एक अलग स्थान है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का, तो इसीलिए वो हमारे साथ शुरू से मोर्चे में हमारे साथ है। और इसीलिए हमने तय किया, जब ये सारा संसद का प्रोग्राम बना, तो दो सेशन, दो दिन
आज का और 9 तारीख का हमने महिलाओं के लिए रिजर्व रखा, और इसके अलावा एक दिन हमने रखा है जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्टेट गवर्नमेंट से, आईपीएस, आईएएस, आईआरएस ऑफिसर्स, डिफेंस ऑफिसर्स, एक दिन उनके लिए भी रखा है, और उनके साथ हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी आएंगे, उनके साथ हाई कोर्ट्स के बार के प्रेसिडेंट भी आएंगे, ताकि हम सरकार को ये बता सकें क्या इन जजेस को भी कानून की समझ नहीं आ रही, आपको ही आ रही है। और इसके अलावा एक दिन पी साईनाथ, देवेंद्र शर्मा, सुचा सिंह गिल, डॉक्टर रणजीत सिंह कुमन, ऐसे इकोनॉमिस्ट भी एक दिन बुलाएंगे, उनके लिए भी एक दिन हमने रखा है। हम चाहते हैं कि हर तरह से इसको, इसकी थ्रेडबेयर इस पर डिस्कशन हो जाए, और ये एक तरह से सरकार के मुंह पे चपेड़ है, लोगों की चुनी हुई पार्लियामेंट पे लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो यहाँ पैरेलल पार्लियामेंट लगा दी, और इसमें जो डिबेट हो रही है ऐसी डिबेट अगर वहाँ हो तो देश के लोगों से कोई धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि वो करते नहीं, इसलिए ये पैरेलल पार्लियामेंट लगा दी हमने। दर्शनपाल जी, आपसे दो चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि एक तो ये जो महिला संसद आपने सोचा, किसान नेताओं ने सब ने मिल के सोचा, इसकी अहमियत क्या आपको लगती है, पहला सवाल तो ये। देखिए, संसद सत्र शुरू होने जा रहा था, इसमें हमने पार्लियामेंट मेंबर्स को एक विप जारी किया कि हमारे मुद्दों के बारे में अब पार्लियामेंट के अंदर लोग आवाज़ उठाइए, और जैसे ही ये होने जा रहा था तो हमने साथ ही ये कहा कि हम जो वहाँ जाएँ वहाँ अपनी गैदरिंग करें, और गैदरिंग को नाम दिया गया किसान संसद का, जैसे विप का नाम आया उसी तरह से किसान संसद का नाम आया, ताजो किसानों को यहाँ इकट्ठे करके हम अपने मुद्दों को डिस्कस करें, और डिस्कस करके रेजोल्यूशन डालें कि किसानों ने ये रेजोल्यूशन डाला है कि किसान अपने जो 3 कानून को रिपील करेंगे, और साथ ही MSP की गारंटी देने वाला जो कानून है वो लाने का रेजोल्यूशन पास करेंगे। संसद के मानसून सत्र में विपक्षी सांसदों का विरोध लगातार जारी है। मंगलवार को आज सुबह 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू की गई तो पेगासस मुद्दे को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने फिर से विरोध शुरू कर दिया, जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद भी विरोध जारी रहने के चलते राज्यसभा की कार्यवाही 3 बजे और फिर 4 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, कुछ विपक्षी सांसदों ने तख्तियां लेकर सदन के गर्भगृह में प्रवेश किया और पेगासस जासूसी मुद्दे को लेकर नारेबाजी की। इस पर राज्यसभा के चेयरमैन ने कहा कि आपको सदन को चलने देना चाहिए, इस तरह से विरोध करना उचित नहीं है। लोकसभा की कार्यवाही भी विरोध की वजह से पहले 11:45 और फिर दोपहर के 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। और आखिर में हम बात करेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार यानी 27 जुलाई को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 30,000 से भी कम यानी 29,689 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 415 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें आज सबसे ज्यादा यानी 135 मरीजों की मौत केरल में हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 42,363 मरीजों को ठीक किया गया और एक्टिव मामलों में 13,089 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 3,14,40,951 हो गई है, जिनमें से अब तक 4,21,382 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 97.39% यानी 3,06,21,469 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, और देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1.26% यानी 3,98,100 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजी जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 44,19,12,395 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 66,03,112 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।